Good morning, dear students. In our today's class, we will be discussing how to solve the numericals that are based on EDTA titration. This numerical I have written here. Just see, 0.6 gram of CaCO3 was dissolved in nitrate HCl and the solution was made up to 1 liter. For this, you should know very well the process of EDTA titration. So, what have we done? You know, there are two samples. Two samples are given to you. One is sample 1. और दूसरा होता है सैंपल 2. सैंपल 1 जो है वो नोन है, ठीक है. सैंपल 2 जो है वो अननोन है. अब इस सैंपल 2 की हमको हार्डनेस फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ EDTA टाइट्रेशन. तो टाइट्रेशन का प्रोसेस हमें पता है, EDTA की हेल्प से हम टाइट्रेशन करते हैं और EDTA हमारा इंटरमीडिएट रिएजेंट कहलाता है. तो कुल मिला के तीन चीजें दी हुई हैं हमको. एक है EDTA सॉल्यूशन, एक सैंपल 1, सैंपल 2. सैंपल 1 नोन है, तो अभी जो हमें दिया है ना, 0.6 ग्राम ऑफ CaCO3 वाज डिसॉल्वड इन डाइल्यूट HCl एंड द सॉल्यूशन वाज मेड अप टू 1 लीटर, तो ये हमारा नोन सॉल्यूशन हो गया. हमें पता चल गया कि हमने उस सॉल्यूशन को कैसे बनाया है, उसकी नॉर्मैलिटी या फिर उसकी हार्डनेस कितनी है. ओके, नाउ ये हो गया नोन सॉल्यूशन. इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है. 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर 12 ml ऑफ EDTA. मतलब क्या हुआ, हमने टाइट्रेशन की प्रोसेस करना शुरू किया और EDTA कितना लग रहा है हमारे टाइट्रेशन में, 12 ml ऑफ EDTA. मतलब कि आपका रेडिश वाइन कलर से ब्लू आ गया किस एंड पॉइंट पर, 12 ml. ओके, तो 12 ml इज द एंड पॉइंट. ओके, तो ये सैंपल 1 का टाइट्रेशन है. तो हमने सैंपल 1 को टाइट्रेट किया EDTA के साथ. ओके, ये हमारी पहली स्टेप हो गई और इसकी रीडिंग दे दी है 12 ml. ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये जो सैंपल 1 का वॉल्यूम हमने कितना लिया है, 20 ml पिपेट की हेल्प से. नाउ इसके बाद बोल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा. ये हमारा सैंपल 1 और EDTA को हमने टाइट्रेट किया, तो ये EDTA अननोन था हमारा. अननोन से जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये EDTA नोन हो जाएगा. जब ये EDTA नोन हो जाएगा तो इसकी मदद से हम सैंपल 2 को टाइट्रेट करेंगे और अल्टीमेटली जब हम सॉल्व करेंगे तो इस सैंपल 2 की स्ट्रेंथ हमको पता चल जाएगी, मतलब कि हार्डनेस हमें पता चल जाएगी जो कि न्यूमेरिकल में पूछी हुई. ना हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं. तो बिफोर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल, यू जस्ट वंस गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ EDTA टाइट्रेशन, कि टाइट्रेशन कैसे किया जाता है. तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू कैलकुलेट. नाउ जस्ट लुक एट इट, हाउ टू सॉल्व. सो तीन चीजें दी हुई हमें, सैंपल ए या सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल और EDTA. तीन चीजों में से सैंपल ए हमारा नोन है, बाकी दोनों चीजें अननोन है. तो देखिए हम कैसे निकालते हैं हार्डनेस. जो हमारा अननोन सैंपल है उसकी हार्डनेस निकालनी है और किसकी मदद से निकालनी है, EDTA की मदद से. तो वही हमारी वेल नोन इक्वेशन N1V1 = N2V2 लिखेंगे हम. हम सबसे पहले स्टेप में किसको टाइट्रेट कर रहे हैं, हमारा सैंपल जो नोन है उसको EDTA से. ओके, जब ये हमारी पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो आपका EDTA जो अननोन है वो नोन हो जाएगा. देखते हैं कैसे होता है. ये हो गया हमारा सैंपल 1 जो कि हमारा नोन सैंपल है और ये हो गया हमारा EDTA. ना हमको चाहिए नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी नहीं दी हुई है आपके इक्वेशन में या न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 0.65 ग्राम ऑफ CaCO3 वाज डिसॉल्वड. मतलब कि आपको दी है स्ट्रेंथ, जबकि हमको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए नॉर्मेलिटी चाहिए. तो एक फॉर्मूला होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट हम यहाँ CaCO3 का रखेंगे, तो इससे हमारी नॉर्मेलिटी आ जाएगी. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट. स्ट्रेंथ हमारी 0.65, इक्विवेलेंट वेट हम CaCO3 का 50 रखते हैं. ठीक है, तो इस जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.013. तो हम यहाँ पर यही वैल्यू रखेंगे. नॉर्मेलिटी के बदले हम क्या लिख देंगे, 0.65 डिवाइडेड बाय 50. तो इससे हमारी स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो गई. ना सैंपल 1 का वॉल्यूम हम कितना ले रहे हैं, कितना लिया है, 20 ml. तो हमने 20 लिख लिया, 50 दिया है आपके न्यूमेरिकल में तो 50 लिखिए, 100 दिया है तो 100 लिखिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. ना हम EDTA पे आते हैं. EDTA हमने ब्यूरेट में भरा हुआ है,
ठीक है, इसकी नॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता नॉर्मेलिटी कितनी है, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा ADDA का, कितना दिया हुआ है 12 ml, एंड पॉइंट है आपका, तो हमने यहाँ 12 लिख लिया, ठीक है। जब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास N2 की वैल्यू हो जाएगी 0.021। ये आ गया हमारा नॉर्मेलिटी, किसकी नॉर्मेलिटी आई है, ADDA की नॉर्मेलिटी आई है। हम इसकी स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, परंतु हमें इस न्यूमेरिकल में स्ट्रेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं है ADDA की, क्योंकि हमको ADDA की स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है, ADDA की हमको नॉर्मेलिटी ही चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। स्ट्रेंथ तो हमें सैम्पल 2 की निकालनी है, जो कि हमारा अननोन सैम्पल है। तो आप चाहो तो यहाँ ADDA की स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, फॉर्मूला वही रहेगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, बट ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे ADDA की नॉर्मेलिटी आ गई 0.021। ओके, नाउ हम आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे हमारा सैंपल 2, ठीक है। वही फॉर्मूला लिखेंगे हम, N2V2 मतलब हमारा ADDA हो गया, और N3V3 ले लेते हैं हम हमारा अननोन सैंपल, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर सैंपल HWS, ठीक है, जो अननोन है। क्या करेंगे हम, वॉल्यूम वैल्यूज पुट कर देंगे, ADDA की नॉर्मेलिटी की वैल्यू पुट करनी है, आ चुकी है हमारे पास 0.021। वॉल्यूम ADDA का, ADDA हमने ब्यूरेट में भरा है तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 35 ml, 35 लिख दिया। नॉर्मेलिटी हमें हार्ड वाटर सैंपल की निकालनी है, जब नॉर्मेलिटी निकल जाएगी तो हम उससे स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। वॉल्यूम हार्ड वाटर सैंपल हम 20 ml ले रहे हैं हमेशा, जितना आपका न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी मदद से आपकी N3 की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 0.0379। ओके, नाउ ये हो गया नॉर्मेलिटी हार्ड वाटर सैंपल की, परंतु हमको नॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी आपकी 0.0379, इक्विवेलेंट वेट हमारा हो जाएगा 50, ठीक है। इसके साथ ही हम एक चीज और करेंगे, यदि हमारा आंसर आता है तो हमारा आंसर किस में आएगा, ग्राम्स पर लीटर, है ना, ग्राम्स पर लीटर में आंसर आएगा। और आपको पता है कि हम हमेशा हार्डनेस रिपोर्ट करते हैं या तो मिलीग्राम्स पर लीटर में या फिर PPM में, या डिग्री क्लार्क और डिग्री फ्रेंच में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें आंसर चाहिए हमारा मिलीग्राम्स पर लीटर में, तो ग्राम्स में है, मिलीग्राम्स में चेंज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो मिलीग्राम्स पर लीटर में आएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग आंसर 189, या तो PPM लिखिए या फिर मिलीग्राम्स पर लीटर लिखिए। ओके, तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, यदि आपको टाइट्रेशन का प्रोसेस आता है तो आप बहुत अच्छे से ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। तो दिस वॉज अ सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ADDA टाइट्रेशन। नेक्स्ट टाइम हम इसका और एक पार्ट करेंगे, जब हम इस सैंपल को बॉइल कर लेते हैं तो बॉइल करने के बाद और कैसे हम उस सैंपल की हार्डनेस निकालेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आई थिंक इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने अननोन वाटर सैंपल की हार्डनेस फाइंड आउट करी है विद द हेल्प ऑफ ADDA टाइट्रेशन। ओके, सो इट्स बाय फ्रॉम माई साइड। If you have any doubt, you can ask.